सभापति महोदय, अपने दल के वरिष्ठ लोगों को सुनने के बाद मैं संक्षेप में थोड़ी बातें कहूंगा। लोकतंत्र की आयु वर्षों में नहीं गिनी जाती है, उसकी आयु गुणात्मकता से गिनी जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं उस पर पूरे देश का ध्यान है। यह संशोधन विधेयक तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर भारतीय जनतंत्र पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के सार्वजनिक जीवन पर गहराई से होता है। इन छोटी बातों पर विपक्ष नहीं है, तो मैं लोकसभा में विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों को देखा। मैं मानकर चल रहा हूं कि विपक्ष की वही राय है। एक अजीब दास्तान इस देश में है, यह विपक्ष बार बार हर बात पर मुहूर्त पूछता है, इस तारीख को ही क्यों, चाहे वो राम मंदिर का सवाल हो कि किसी ऑर्डिनेंस का सवाल हो। तो मैं विपक्ष से कहूंगा कि आगे से एक मुहूर्त का कैलेंडर बनाकर भारत सरकार को दे दे। जो प्रश्न उठा है कि टेन्योर क्यों बढ़ाया जाए, पहले मैं उस पर आना चाहता हूं। इसका तार्किक उत्तर विपक्ष को मिलना चाहिए, मिल रहा है। सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से पहले ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम की संस्था थी और उसके डायरेक्टर जॉन एजगर हूवर थे। 1924 में डायरेक्टर अपॉइंट हुए, 11 साल के बाद उसको फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बनाया। 1935 से लेकर 1972 तक, यानी 1924 से लेकर 1972 तक 48 ईयर्स ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर रहे। इस बीच में कितने राष्ट्रपति आए और गए, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता आई और गई, लेकिन हूवर बने रहे। तो एक सवाल उठता है, कितने लंबे अरसे में रहकर और लंबे अरसे में रहकर सरकार ने क्या किया जो आज हम फिंगरप्रिंट्स का इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, फॉरेंसिक लैब का इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, और जो FBI इंडेक्स जो आज के समय में टेररिस्ट का एक इंडेक्स बनता है, ये सब हूवर का दिया हुआ है। राष्ट्र के निर्माण में जो संस्थाओं का महत्व होता है, उन संस्थाओं का योगदान तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसको हेड करने वाले लोग, उसका नेतृत्व करने वाले लोगों में आत्मविश्वास नहीं हो। उस संस्था की जो कमी टीम होती है उसमें स्थायित्व का भाव नहीं हो, उसके पास आधारभूत संरचना नहीं हो। हमने कांग्रेस शासन में देखा कि राज्यों में संस्थाएं बनी, जो संस्थाएं उनके मनोनुकूल नहीं बना उसको आधारभूत संरचनाएं नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। जो उनके मनोनुकूल संस्थाएं नहीं बनी उनको हेड की आयु को कम करते रहे। 2 साल के लिए बने, आज नियुक्ति हुई 3 महीने बाद हटा दिया, 3 महीने बाद जिसकी नियुक्ति हुई उसको 6 महीने बाद हटा दिया। संस्थाओं को अस्थिर करके आप प्रशासन को पारदर्शी नहीं बना सकते हैं। जो एक महत्वपूर्ण पक्ष मैंने हूवर का उदाहरण देकर मैंने कहा, माननीय जितेंद्र सिंह जी ने अनेक देशों का उदाहरण दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो एक पक्ष रखना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा असर हम नहीं होते, मध्यम वर्ग भी नहीं होता है, उच्च वर्ग भी नहीं होता है, असर तो पड़ता है, लेकिन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा असर वो गरीब आदमी होता है, वो मेहनत कश होता है, जो खेतों में काम करता है, जो 12 घंटे काम करने के बाद छोटा सा इनकम लेकर घर जाता है और 24 घंटे अपने घर चलाता है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा असर वही होता है। इसलिए 134 सर्विसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया है, जो DBT है, उसका सबसे बड़ा लाभ किसको हो रहा है? जो लोग जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो आम किसानों को, आम मजदूरों को, जो उनके बीच ना रहे हैं, ना रह सकते हैं, ना उनसे उनका संबंध है,
वे उनके जिंदगी में जो खुशहाली आ रही है बिचौलियों के जाने से इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। विपक्ष की यही त्रासदी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं वो उद्धरण कोट करना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीबीआई और सीवीसी के डायरेक्टर्स के बीच में 20 अक्टूबर 2021 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस संबंध में कही थी, करप्शन टेक्स अवे द राइट्स ऑफ पीपल एंड हिंडर्स द परस्यूट ऑफ जस्टिस। जब भ्रष्टाचार होता है तो आम लोगों को जो न्याय मिलता है वो न्याय नहीं मिल पाता है। आम लोग न्याय से वंचित होते हैं, जिस न्याय से उनका घर चलता है, जिस न्याय से वो सम्मानित जीवन जीते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने उन सब जांच एजेंसियों के लोगों से जो बात कही, विपक्ष उसको गौर करे। यू नीड टू इंप्लीमेंट द लॉज इन अ वे पुअर कम्स क्लोजर टू द सिस्टम एंड करप्ट मूव्स आउट ऑफ इट। यह अपील प्रधानमंत्री जी उन लोगों से कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं उन लोगों से कि पॉलिटिकल विल हमारे पास है, प्रशासनिक कॉरिडोर में, पावर कॉरिडोर में जो मिडलमैन घूमते हैं, जिसके कारण राजीव गांधी जी ने कहा था कि सिर्फ 1 रुपए में 12 पैसा पहुंचता है, और उनके इस स्पष्टोक्ति को हम बार बार उद्धृत करते रहे, उसको ठीक नहीं कर पाए। वो ठीक कब हुआ? आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 1 रुपए में 80 पैसा जरूर गरीबों के पास पहुंच रहा है। 7 वर्षों में मैं गरीबों के पास में 1 रुपए में जो लोगों के पास पहुंच रहा है, आप सुन लीजिए, 7 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जो इनॉग्रेट किया इस सिस्टम को जो इनॉग्रेट किया, उसकी मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। आईबीसी कोर्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट, ये आईबीसी कोर्ट क्या है? अर्थव्यवस्था को खोखला करती हुई जो कंपनियां थी, इस आईबीसी कोर्ट को लाने के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉलिटिकल विल चाहिए। चूंकि जिस धन को ब्लैक मनी का जिस तरह से उपयोग होता था, जिस तरह से बैंक से हजारों करोड़ रुपए लेकर, सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर और एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता था, यह क्रम लगातार 1950 के दशक से चलता रहा। सरकारी बैंक विफल होती रही। ना सिर्फ 3 लाख सेल्स कंपनियों को बंद किया, आईबीसी कोड आने के बाद 3 लाख करोड़ भारत सरकार के खाते में आया, 2 लाख करोड़ और आना है। आप कल्पना कीजिए यदि यह कोड नहीं आता तो आने वाले समय में कितने लाख करोड़ों, इसका कितना मल्टीप्लाई करता, कितना गुना बढ़ता जाता। यह किसका पैसा था? ये उन लोगों का पैसा है जो खेतों में काम करते हैं, ये उन लोगों का पैसा है जो गरीब मजदूर किसान की तरह खेतों में, कारखानों में काम करते हैं, उनके पैसे को ये खाते रहे। इसे आज विपक्ष को सोचना चाहिए। जब हम संस्थाओं को अस्थायित्व देते हैं तो अस्थायित्व किसी व्यक्ति के लिए नहीं देते हैं, अस्थायित्व अनकंडीशनल नहीं देते हैं, उसमें पारदर्शिता है। क्या विपक्ष को मालूम नहीं है कि सीबीसी के डायरेक्टर को किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है? क्या उस नियुक्ति में उनकी भागीदारी नहीं है? क्या न्यायपालिका की भागीदारी नहीं है? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विपक्ष की भागीदारी के साथ जिस डायरेक्टर के निदेशक की नियुक्ति होती है उसको स्थायित्व तो दिया जाता है, कंडीशनल स्थायित्व तो दिया जाता है, तो यह तो हम संस्थाओं से राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण पक्ष उठा। आज हम सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास जो बड़ी संख्या में केसेज आते रहे, 2012 में कुछ केसेज का इन्वेस्टिगेशन हुआ, एनालाइज किया सीबीआई ने, उसमें पाया कि 264 केसेज का इंटरनल एनालिसिस करने के बाद पाया 698 एक्यूज्ड पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, 486 प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे। तो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से राजनीति को अपने अंदर समेटते रही कांग्रेस की सरकार के दौरान, और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते रहे, उसकी भागीदारी बने रहे, उसी के कारण से सीबीएस के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के डायरेक्टर ने कहा था 2012 में एक साक्षात्कार में कि राजनीतिक कैदियों को, राजनीतिक आरोपियों पर काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए हमें मोर क्लैरिटी की जरूरत है, स्पष्टता की जरूरत है, जो स्पष्टता नहीं थी। आज मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं
कि संस्थाओं में स्थायित्व, संस्थाओं में पारदर्शिता और अर्थव्यवस्था में नैतिकता जो आज तक कही जाती थी कि इकोनॉमिक्स एंड मॉरलिटी डोंट गो टुगेदर, आज पहली बार भारत ने करके दिखाया है कि हम मॉरलिटी के साथ चलते हैं। और इसी कारण से मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के अमेंडमेंट बिल उन्होंने लाए। धन्यवाद। थैंक यू। वेरी गुड स्पीच।